हेलो भाई, क्या हुआ? बस मैं ही बच पाया हूँ भाई, वो उन लोगों को लेकर भाग गया। ए, उनको जिंदा मत छोड़ना। अंजलि की शादी करके वापस आने तक मुझे उनकी लाशें चाहिए। क्या ससुर जी, क्या है ये सब? आपने कहा था आपका कोई नहीं है, तो ये गुंडा आपका भाई कैसे? हम लोग नलगुंडा जिला के श्रीपुरम गांव में रहते थे। नाम में जो श्री है वो गांव में नहीं था। फ्लोराइड की समस्या ने हमारे गांव की खुशियों को शराब की तरह खा लिया। मैं क्या कर सकता हूँ नरसिम्हा भाजी? आप कुछ करोगे, इसीलिए तो लोगों ने भरोसा करके आपको वोट दिया। ऊपर से आप इस जिला के मंत्री हैं। नरसिम्हा जी, हमें दुख नहीं होता है क्या? ये फ्लोराइड प्लांट का प्लान है, इसे लगाना है तो 50 करोड़ का खर्च है। 50% सरकार लगाएगी, इसके लिए मैंने मना लिया है, लेकिन बाकी का 50% कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। मेरे ससुर जी ने अपनी बेटी के साथ तमाम जायदाद भी मुझे दी थी, उसे लोगों की भलाई के लिए लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसीलिए उनकी दी हुई जायदाद से 10 करोड़ फ्लोराइड प्लांट लगाने के लिए मैं दे रहा हूँ। आपसे भी जितना बने उतना दीजिए, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। एक छोटी सी गलती पर मेरे भाई ने मुझे जेल भेज दिया। मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, लेकिन गांव वालों के लिए जायदाद बांट रहा है। उसे मारकर मैं जेल आता तो ठीक होता। दूसरों का पैसा देखकर चलना बेवकूफी होती है। जो उसे छीन लेता है वही मर्द कहलाता है। अरे जेल में से कैसे छीनूं? यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम पार्टनरशिप दोगे तो मैं आइडिया दूंगा। मैं रेडी हूँ। भाई 15 करोड़ है, संभाल कर। अरे डरना क्यों, सिक्योरिटी है ना। मंदिर में दर्शन करने के बाद मिनिस्टर से मिलकर पैसे उन्हें दे दूंगा। तुम यहाँ रहकर उस ऑफिसर से मीटिंग निपटा लो। अरे वाह। नंदनी, ना अंजलि, 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 मेरे भाई, अंजलि और तुम्हारी भाभी मर गई। तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे भैया? तुम भी मर जाओ क्या है ना? तुम अपनी बीबी बच्ची के साथ लोगों का पैसा लेकर भाग रहे थे, ये भरोसा मैं लोगों को दिलवा दूंगा। उसके बाद पुलिस वालों के हाथों या लोगों के हाथों मरने से बेहतर है मेरे हाथों मर जाओ। सर, नरसिम्हा सिक्योरिटी के लिए आए पुलिस वालों को मार कर सारे पैसे लेकर भाग रहा है। सच में? रोकिए उसे सर। नरसिम्हा? वो मेरी तरह दिखता है, इसलिए पुलिस ने भरोसा कर लिया कि मैं पैसे लेकर भाग गया। मेरे लोगों को अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये बात मैंने पेपर में पढ़ी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं, इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की ठानी और तभी तुम मेरी जिंदगी में आ गए। तो फिर अंजलि? अंजलि के बारे में भैया को नहीं पता, मैं बताता हूँ। तुम लोग अंदर आ रहे हो और हम लोग बाहर जा रहे हैं। सब कुछ हमने ही किया है, तुम्हारे दोस्त को भी हमने ही मारा। तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज, उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। उसके नाम पर तो बहुत जायदाद है ना? हाँ, वो सब मेरी हो जाएगी। उसके लिए उसे 20 साल तक पालना होगा ना? पाल लूंगा। बेटी, तुम्हारा बाप बहुत बुरा इंसान निकला, माँ को मार डाला, लोगों को धोखा देकर सारा पैसा लेकर भाग गया। चाचा जी? चाचा जी नहीं बेटी, आज से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। क्या हूँ बोलो? पापा।
पापा। क्या कहा? मेरी बच्ची मुझसे नफरत करती है? हाँ भाई, उसने अंजलि के मन में जहर घोल रखा है। मतलब मेरी बच्ची? वो बिल्कुल सही सलामत है। आपकी बेटी के नफरत को प्यार में बदल दूंगा। उन्होंने जितना पैसा चुराया उसका 10 गुना वापस लाऊंगा। जिस गांव से तुम दूर हुए हो वो गांव तुमको वापस दिलाऊंगा। कैसे? सब शारजा चले गए हैं, वहीं पर अंजलि की शादी फिक्स है। शादी उन्होंने तय की है, मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा। शिफ्ट टू शारजा। यहाँ कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है क्या? आप क्यों चिल्ला रहे हैं सर? चिल्लाऊं नहीं तो क्या गाना गाऊं मैं? नो हॉट वाटर इनसाइड। वेडनेसडे है ना सर, इसलिए नहीं मिलेगा। वेडनेसडे को गर्म पानी नहीं? ये क्या बात हुई? हाँ सर, सोमवार को नहाने भी नहीं चाहिए, मंगलवार को मटर नहीं खा सकते, सिर्फ गुरुवार को अंडे खा सकते हैं। ये रूल्स यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं। ये बकवास रूल्स किसने बनाए? मैंने। ये कौन है? तुम हैदराबाद के पिए हो तो मैं शारजहां का पिए हूँ। ओह, तो मतलब हम दोनों सेम टू सेम है। नाइस टू सी यू। सॉरी, हम दोनों सेम टू सेम नहीं है। क्यों? रुपया और दिरहम एक है क्या? तुम्हारे रुपए से हमारी कंट्री में पानी की एक बूंद नहीं आएगी, हमारे दिरहम से तुम्हारी कंट्री में पानी की फुल बोतल आएगी। ओह, पैसे का क्या है, कुत्ते भी कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ का दिरहम इंसान ही कमा सकता है। ओहो, वैसे ये बेकार के रूल्स। बॉस का ऑर्डर है, अगर ना माने तो मारने को कहा है। सुनो, सर का वास्तु क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ सर। करवाओ। ये वास्तु क्या है, क्लियरेंस क्या है, हाथ में क्या है, क्या ये? चुपचाप खड़ा रहा नहीं तो गिर जाएगा। गिर गया तो? सर, इस तरफ बढ़ गया सर। इस तरफ मतलब पेट? तुम्हारा नहीं बढ़ा है क्या? उसका हो सकता है लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। सुनो, इसे दिन में एक बार से ज्यादा खाना नहीं देना। शादी करने आए, टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पेड़ा, पेड़ा प्रसाद। पेड़ा? पेड़ा मतलब क्या हुआ? सर, लंदन से मेरा बेटा आ रहा है। एयरपोर्ट कार जा चुकी है सर, ही शुड बी हियर इन 30 सेकंड्स। गुड। ये क्या हाल बना रखा है सर? वो वाटर प्रॉब्लम है सर। तुम जल्दी से रेडी होकर आओ। आप जाइए, मैं रेडी होकर आता हूँ सर। हे, तुम ऐसे नंगे मत घूमो यहाँ पर। क्यों? यहाँ के शेख तरह तरह के शौक पालते हैं। इसका मतलब इज्जत खतरे में? I'm back. Daddy. My son. I miss you, Daddy. कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। स्टडीज कैसी चल रही है? स्टडीज बुलशिट। स्टडी के नाम लेते मुझे उल्टी होने लगती है डैडी। ऐसा लगता है कि भाग के आपके पास आ जाऊं। That's my boy. Hey, बेटा। आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे भक्त हनुमान को देख लिया हो। आपके लिए 9 ग्रहों की पूजा करवाई थी, ये लीजिए। ब्लेसिंग अंकल। ए दोस्त, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत ऊपर जाएगा। तेरी तो, तुझे ऊपर भेज के मैं तेरा सब कुछ हड़प लूंगा। ओह माय गॉड, ये राहु काल है, इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। चलो चलो अंदर चलो। चलो चलो। हेलो बेटा। सर, किसी गाड़ी की चाबी दो। क्यों सर, अपने पास तो बहुत सारे। मुझे अकेले ही जाना है। ठीक है सर, तुम जाओ। ससुर जी। ये तो मर गया होगा। एयरबैग होगा ना, नहीं मरा होगा। ससुर जी जाइए। परेशानी तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना ससुर जी, जाइए। एम्बुलेंस। पेड़ा, कैसे हुआ ये? हिट एंड रन केस है सर। हेलो, हैदराबाद से शंकर बोल रहा हूँ। हैदराबाद से शंकर का फोन। हेलो सर, भाई का नंबर मिला है, नहीं मिला तो आपको फोन किया सर। जो कुछ हुआ भाई ने आपको बताया ही होगा। सब बताया मुझे, तो अब क्या है? नरसिम्हा और उसके सारे लोगों ने ओल्ड सिटी से किसी ट्रैवल एजेंट से पासपोर्ट बनवाया, ये इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी शारजा आए होंगे। मैं देख लूंगा, रखो तुम। क्या हुआ भानू? बाबा शक है कि दुश्मन शारजा में घुस आए हैं, मार डालो सबको। मानो जी। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। पिछले 4-5 दिन में हैदराबाद से शारजा जितने लोग भी आए हैं उन सब की मुझे फोटो आइडेंटिफिकेशन विद एड्रेस चाहिए। जरूर, भेज दो।
जी, गेट मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर्स हु ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू शारजा द लास्ट वन वीक. जी साहब. रुको भानु, पांच मिनट के लिए हिल. क्या हुआ बाबा? शनि तीसरे चरण में जा रहा है, समय ठीक नहीं है. शनि? अच्छा अंकल, आप वहीं क्यों रुक गए? आइए ना. पांच मिनट तक नहीं आ सकता बेटी, शनि तीसरे चरण में है. ये भी ना, उल्लू का पट्टा ही है. सर प्लीज ट्रेक दिस. क्या है ये? थाईलैंड का तेल है क्या? सर के सिर पर लगाना है? नो, इट्स यूरिन, गिव इट इन द लैब. छी छी, ये है डिंपल. मेरे पापा जी की यूरिन को छी छी कह रहा है. गिव रिस्पेक्ट. यूरिन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा. रिस्पेक्ट यूरिन के लिए नहीं, जिनका है उनके लिए करो. और तुम यूरिन यूरिन करके 10 बार मत चिल्लाओ यार. फिर क्या कहना चाहिए मुझे? सुसु कहना चाहिए. लैब जाओ. ठीक है बेटा. आ रहा है वो, आ रहा है. डिंपल जी, ये क्या हो गया? तुम पनौती, तुम यहाँ, तुम कहाँ से आ गए? वो भाई का सुसु था. चुप कीजिए सर, ये कोई अमृत या प्रसाद था, जाने दीजिए ना. अरे आप बोलो तो हम सब मिल करके दे देंगे, किसी न किसी का मैच हो ही जाएगा. तुम्हारे घटिया आइडिया से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. अब दोबारा यहाँ किस लिए आए हो? की हुई गलती को सुधारने आए हैं सर. सुधारने आए हो या बिगाड़ने? सच बता रहे हैं सर, उस डुप्लीकेट ने ही हम आपके फैन जानकर प्लान करके हमें इस्तेमाल किया. इसलिए हमने उसका अगला प्लान जानकर उसका शारजा तक पीछा किया. उसी ने भाई की कार का एक्सीडेंट भी किया. क्या कहा? ये एक्सीडेंट उसने किया? हाँ सर, टाइम पर भाई को अस्पताल ले आने वाला सीनू ही था सर. तुम्हारी बातों को कितनी बार सच मानूं मैं? आप नहीं मानोगे ये मुझे पता है सर, इसलिए आपको कुछ दिखाना है. अब क्या दिखाना है? आइए सर. आइए. ये कौन है? ये डुप्लीकेट भाई है, वो मारे चले गए. रुको मैं बता करा. रुकिए सर, ऐसी बेवकूफी करोगे तो कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? युद्ध में कितने लोग मरते हैं लेकिन परमवीर चक्र सिर्फ एक को ही मिलता है. परमवीर चक्र खुलकर बताओ ना. हाँ सर, इसे पकड़वाओगे तो पीठ थपथपाकर बस एक बार शाबाश बोलेंगे, लेकिन इसने खाए 100 करोड़ अगर हम दिलवाएंगे तो. परमवीर चक्र कबूल कर लीजिए सर. ऐसे क्या सोच रहे हैं सर? तुम लोग तो मुझसे भी बड़े सर लल्लू हो. क्या सर, आप हमें ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, इससे पैसे वसूल करके उसको क्या देना, हम लोग खुद ही दबा लेंगे. और परमवीर चक्र थोड़ा लेट होगा सर. सर इसीलिए सर आप इस पोजीशन पर हैं. सर आपके फैंस की वजह से आपके भाई आज जिंदा हैं. ये बात अगर उन्हें पता चली तो आपका पोजीशन है रिमेज. वाह, सच कहा तुमने. उन्हें अब तक नहीं पता कि बचाने वाला कौन है. मेरा ही एक फैन है, ये उन्हें बताना ही होगा. मेरे साथ आओ, चलो. सर सर, तो इनका क्या करें सर? हाँ, इसका क्या करें? आपके कंट्रोल में रहेगा तो अच्छा रहेगा. वेरी गुड आइडिया. हाँ, इसे मैं अपने विला में सीक्रेटली छुपा लेता हूँ. ब्याज समेत कैसे वसूल करना है वो मैं देख लूंगा. ए तुम लोग यहीं पर रहना, तुम्हारे साथ आओ. ओके सर. तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कौन है, मैं जान सकता हूँ? He's a cheater. No, ये नहीं है. तुम्हारे पापा को बचाकर हॉस्पिटल लाने वाला यही है. यही है? हाँ सर. उस टाइम तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ था इसीलिए समय पर इन्हें यहाँ लेकर आ सका. करेक्ट. आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे इन्हें बचा के इसने गलती की. वैसे आप मेरे फैन का इस तरह अपमान नहीं कर सकते. आई डोंट लाइक दिस. तुम्हारा फैन? हाँ सर, मेरे फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ये. अंजलि. आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? मेरी बेटी हो ना. थैंक्स बेटा. इट्स ओके सर, अगर ये वहां नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता. देख लिया ना, सुन लिया ना सर, मेरे फैन के रक्तदान और अन्नदान की वजह से ही आज आप यहाँ जिंदा लेटे हो सर. और आपने मुझे गलत समझकर मेरा बायां और दायां गांव सुझा दिया सर. शादी होने तक इन्हें हमारे साथ ही रहने दो. लेकिन हमारे साथ क्यों पापा? मेरी थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी बेटी. ए दोस्त, रख लो, हिम्मत मत तोड़ना. लेकिन एक बात है, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कराया गया है. ये अब क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटी, वो नरसिम्हा और उसके लोग शारजा में आए हैं ऐसा शक है. अगर ये सच है तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा. नरसिम्हा मतलब? तुम्हारा बाप. वो अभी तक जिंदा है? अंकल मुझे शादी से पहले उसकी मौत देखनी है. दिखाऊंगा, परेशान मत हो. अगर वो शारजा आया है तो वो और उसके लोग कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा. तुम रेस्ट करो दोस्त. क्या हुआ अंजलि, अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? देखो, तुम मेरे डैड को तो कन्विंस कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि once a cheater, always a cheater.
Once a lover, always a lover. ये कुछ नए तरह का कोमा पेशेंट लगता है। इसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, मुंह नहीं खोलता। कोई रास्ता नहीं, इसे शॉक देना ही होगा। क्या हुआ? बोल, बताना। ऐसे क्या देख रहा है? आंखें नहीं खोलनी है, मुंह खोलना है। बोल बे, जल्दी बोल, पैसे कहाँ हैं? बता, जल्दी बोल, बोल। अबे बोल ना। ओए, तू मेरे बारे में नहीं जानता? भाई को हलवा दे चुका हूँ, तू किस खेत की मूली है? सर, करंट ज्यादा है, कहीं टपक ना जाए। नहीं जाएगा, डिवाइजर ऑन किया हुआ है। सर, एक काम करता हूँ, आपके लिए एक पैक बना कर लाता हूँ। यू आर राइट, पैक बना जाकर। ए, जब तक मैं पैक खत्म करके आऊँ तब तक सब कुछ सच बता देना। अगर नहीं बताया ना तो पेपर की तरह फाड़ डालूंगा, आंखें नोच कर कौओं को खिला दूंगा। गधा कहीं का। क्या सर, आप सच में भाई को बेवकूफ बना देते हो? वो बाहर वालों के लिए भाई है, मेरे लिए खिलौना है। उसे कितनी बार तो मैंने रुलाया पता है? सुनो, उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, रुखसाना नाम की, मस्त आइटम थी। उसे मैंने पटा लिया, दुबई जाने का इससे झूठ बोलकर मैंने उसे अपने बंगले पे रखा हुआ है। तो रुखसाना को तूने रखा हुआ है? रुखसाना मस्त फिगर है। घूर क्या रहा है? तेरी गर्दन ऐसे क्यों लटकी हुई है? क्या है, तेरी गर्लफ्रेंड जैसे मैंने पटा ली ऐसे देख रहा है? एक दूंगा ना तो मुंह घूम जाएगा। ऐसे घूर रहा है जैसे कि ओरिजिनल भाई हो। हे, ऐसे कईयों को सही किया है मैंने। जब तक मैं कैद में हूँ तब तक तुम सब जिंदा हो। सर, इसके होश में आकर पैसों के बारे में बताने के बाद हमारा हिस्सा हमें दे दोगे ना? किसका कैसा हिस्सा बे? ये क्या बोल रहे हैं सर आप, हम बांटेंगे कहा था ना? क्या किसको बांटेंगे, गली में घूमने वाले के साथ कोई हिस्सा बांटता है क्या? ए, प्लेस मेरा है, प्लान मेरा है, रिस्क मेरा है, करंट मेरा है, तो पैसा भी तो मेरा ही हुआ ना। ए, मैं पैसों का बहुत बड़ा पागल हूँ। आफ्टर ऑल मेरे फैन ने मुझे थप्पड़ मारा। हम तुम्हारे फैन और तुम हमारे हीरो, किस फिल्म में काम किया है तुमने? तुमने ही कहा था ना। अच्छा, डांस करके दिखा। मुझे डांस नहीं आता, कहो तो वीणा बजा दूं। हाँ, वीणा बजाएंगे, तू नाचेगा। सूरदास है क्या तू? चुप करना, आवाज ऊंची हो रही है। तुम्हारा हाथ भी तो उठ रहा है। ये देख, अगर हमारा हिस्सा हमें नहीं मिला तो हालात बहुत ही बुरे हो जाएंगे। पकड़े से चलो रे। उसे थप्पड़ क्यों मारा सीनू? उसका रिजल्ट तुम्हें कल पता चलेगा।